मेरे पास बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी गैस के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बताती हूँ फ्रेंड्स। गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, ये सुनने में और देखने में भली हल्की फुल्की लगे लेकिन जिसको होती है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। उसको खाना नहीं पचता है और जो है जिससे उसको अगली भूख नहीं लगती है, तो पेट बिल्कुल भरा भरा लगता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे भारी भारी सा। और जो है उसको पेट में दर्द बना रहता है, फिर ऊपर गैस ऊपर चढ़ती है, गैस का रहता है ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट काम करती है गैस हमेशा, तो ऊपर चढ़ती तो चेस्ट में पेन होता है, कभी सर में पेन होता है। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहती है बहुत ज्यादा खराब होती है, तो बहुत इससे प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद फिर एसिडिटी शुरू हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं, ये सारी चीजें होती हैं गैस से। ये आपकी पिंडलियां दुखती हैं क्योंकि वेंस में भी चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फ्रेंड्स इसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, पहले तो अपने रूटीन को ठीक कर लीजिए। सबसे पहले सुबह में उठ के गर्म पानी पीजिए 2 गिलास, फिर मलासन कीजिए, वज्रासन कीजिए। देखिए मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप जब सो के उठेंगे उसके बाद आपको लेफ्ट साइड से, लेफ्ट करवट से उठना है, ठीक है ना। लेफ्ट करवट में लेटिए ऐसे करके, थोड़े घुटने बेंड होंगे आपके, नी बेंड रहेंगे, ऐसे करके आप लेट जाइए। ऐसे आपसे अगर सर नहीं रखा जाता है तो आप ऐसे रख के लेट सकते हैं। मैंने बताया आपको सारा खाना घूमता हुआ आपका स्टोमक इस साइड होता है लेफ्ट साइड, तो उधर चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है आपको लेट के उठना, ऐसे आप उठ जाइए, फिर उसके बाद आप मलासन में बैठिए, ठीक है। ये मलासन, ये सुबह की बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, मॉर्निंग में सो के उठ के देखिए ऐसे बैठ जाइए आप, ये दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए और ये एल्बोज, एल्बोज इस नी को आसपास पुश करेंगी, दोनों घुटनों को आपकी कोहनियों से पुश करना दोनों साइड में, ठीक है ना। ऐसा आप बैठे बैठ जाइए ऐसे, देखिए फ्रेंड्स इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा इन चीजों से, ठीक है। अब ये तो आपकी मॉर्निंग की है, फिर उसके बाद आप फ्रेश होने चले जाइए। इसमें एक एक में आपको 5-5, 7-7 मिनट रहना है, ठीक है ना। अब ये एक्सरसाइज आपको करनी है वज्रासन। अभी वज्रासन में आपको बैठना है कब, खाना खाने के बाद, दोनों मील्स के बाद आपको वज्रासन में बैठना है और लेफ्ट साइड से लेट के उठना है। ये मैंने आपको बताया खाना खाने के बाद की एक्सरसाइज है। आपके हाथ चाहे यहाँ रख लीजिए, चाहे आप हाथ यहाँ रख लीजिए, दोनों ये जो है आपकी एड़ियां, दोनों ये दोनों आपके हिप को टच करेंगी, ठीक है। ऐसे बैठ जाइए बस आराम से, ऐसे बैठे रहिए आप 5-7 मिनट तक, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई 3 एक्सरसाइज, अब इसके बाद आता है बालासन। आप ऐसे ही बैठे रहिए और आगे चले जाइए इससे, ठीक है। ये फ्रेंड्स ऐसे दोनों हाथ करके और आगे चले जाइए और आपके ये टच कर लीजिए, सिर हेड डाउन कर लीजिए, ये बालासन ये वाली हो गई। अब इसके साथ ही एक आती है पश्चिमोत्तासन। अब पश्चिमोत्तासन ये सारी फ्रेंड्स मैं गैस के लिए बता रही हूँ, सारी पेट की प्रॉब्लम्स के लिए है सब एक्सरसाइज सारी। देखिए पश्चिमोत्तासन में दोनों पैर दूर कर लीजिए, दोनों हाथों को अपने पैर तक रख लीजिए, अगर पैर तक वहां तक नहीं जा पाते पंजे तक हाथ तो यहाँ तक रख लीजिए, ठीक है। और आगे झुक जाइए, आप यहाँ तक रख पकड़ सकते हैं और आगे झुक जाइए, और जिसके जा रहे हैं उसको तो वहां से पकड़ लेना है, ठीक है, यहाँ से पकड़ लेना है, ऐसे रख लेना है और नीचे झुक जाना। ये भी गैस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद आती है मेन एक्सरसाइज, देखिए आप ये देख लीजिए, ये बिल्कुल आपको गैस में बहुत ज्यादा वो देगी रिलीफ। देखिए ऐसे रख लीजिए, वो पांव सीधा रहेगा, ये पांव इधर पेट की तरफ झुकेगा, वो थोड़ा सा गर्दन भी आपकी उठी हुई रहेगी, ठीक है। अब इसमें स्टे कीजिए आप 5 से 7 मिनट, फिर ये उस वाले पैर को नीचे कर लीजिए और इस पैर पे आ जाइए, इसको कर लीजिए ऐसे, ये फ्रेंड्स। फिर आप ये दोनों से 5-5 मिनट रह लिए, अब दोनों मिला के 5 मिनट रहना है आपको, ये दोनों पैसे पकड़ लीजिए, अपनी साइड पुश कीजिए और ये कर लीजिए ऐसे, ये कर लीजिए पेट की गैस के लिए, गैस की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब फ्रेंड्स एक और है, देखिए आप खड़े होके आगे जाइए। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमारे फादर भी करवाते थे एक्सरसाइज। तो हम जैसे कहते पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, तो बोलते थे हाथों के अंगूठे पैरों के अंगूठे से टच कर लो, मिला लो। तो फ्रेंड्स ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो ऐसे कर लीजिए आप, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, हाथ टच कर लीजिए नीचे और सिर पूरा डाउन कर लीजिए, हेड डाउन।
तो फ्रेंड्स ये 3-4 एक्सरसाइज हैं, ये कीजिए और कब्ज से छुटकारा पाइए कॉन्स्टिपेशन से। और फ्रेंड्स विटामिन सी का सेवन कीजिए, फ्रूट्स खाइए ज्यादा से ज्यादा, सलाद लीजिए आपके खाने के आप 10 मिनट पहले सलाद लीजिए, पपीता का सेवन कीजिए खाने के 10 मिनट पहले। तो सबसे नीचे जब आपके सलाद पपीता आ जाएगा तो वो थोड़ा सा वहां से लूज वाला हो जाएगा, तो आपको वो फ्रेश होने में दिक्कत नहीं देगा। ऊपर वही टाइट होगा आपके स्टूल, लेकिन नीचे से जब लूज स्टूल होगा तो जल्दी पास हो जाएगा आराम से। इसीलिए 1 घंटे पानी पहले पानी भी पीते हैं खाना खाने के, पहले पानी रहे तो लिक्विड के साथ फिर वो एकदम से आ जाए नीचे। तो फ्रेंड्स ये सब कीजिए एक्सरसाइज और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। तो सुबह में 1 चम्मच च्यवनप्राश लीजिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, तो आंवले का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, गर्म पानी पीजिए, उससे आपका फैट लॉस भी होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी छुटकारा मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन खत्म आपने कर लिया तो आपको गैस की प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाएगी। और गैस के लिए बहुत सारे ऐसे आइटम भी है, जैसे आप आलू छोड़ दीजिए, आप चावल छोड़ दीजिए, और भी गरिष्ठ बहुत सारे पदार्थ है जैसे अरवी है ये सब चीजें छोड़ दीजिए। आप कद्दू खाइए, आप लौकी खाइए, आप गिल की तुरई खाइए, आप ये चीजें खाइए, आपको गैस नहीं बनेगी। और कम तेल वाला ये चीजें खाइए, आप घी का सेवन ज्यादा कीजिए, तेल कम कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको अच्छी रहेंगी, तो स्वस्थ रहिए मस्त रहिए।